बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की आइए इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर वन स्टेटमेंट इज फाइंड द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ एट माइनस एट ट्वेंटी एंड सिक्सटी लास्ट लेक्चर में हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखे वो प्रोसीजर रिकॉल कर लें बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एट के क्यूब रूट्स और उसके बाद माइनस ट्वेंटी सेवन के क्यूब रूट्स और इस बेस पर आप माइनस एट ट्वेंटी और सिक्सटी के क्यूब रूट्स होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा आइए शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ एट जी क्या था फर्स्ट स्टेप वन के क्यूब रूट फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप क्या था जी हमने लेट किया था कि एक्स जो है वो क्यूब रूट है वन का उसी तरह से हम लेट करते हैं लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ एट दे हम क्या लिख सकते हैं फिर जी एट के क्यूब रूट तो एट का क्यूब रूट हम लिखेंगे इस तरह से इज इक्वल टू हमने लेट किया एक्स जी नेक्स्ट स्टेप क्या है शाबाश चले मैं आपसे यहां पर यह तो पूछ लू कि एट का एक क्यूब रूट फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ तीन दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो एट आ जाता है द आंसर इज इट इज टू टू आर फोर टूज आर एट सो इसका जो रियल क्यूब रूट आएगा दैट विल बी टू और दो आएंगे इसके इमेजनरी क्यूब रूट स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास रह जाएगा एट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट स्टूडेंट किस टाइप की इक्वेशन है जी इसमें है पावर थ्री ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है इसे हम क्यूबी की भी कहते हैं स्टूडेंट्स क्यूबी की के ज्यादा से ज्यादा तीन रूट्स आते हैं इसको हमने करना है सॉल्व हम इसे उसी अंदाज में लिखेंगे जिस तरह हमने एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन को लिखा था एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एट इज इक्वल टू जीरो अब वो प्रोसीजर अगर आप साथ रिकॉल साथ करें तो वहां पर था एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हमने कहा एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला यूज किया था यहां पर भी वही होगा एट जो है ये टू का क्यूब है हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब इज इक्वल टू जीरो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बी क्यूब का कंसेप्ट बन गया हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू शाबाश फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया क्या है जी इट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब यहां पर यह है हमारा ए और यह है बी इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू इन टू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी टू एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरोस दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो तो हम हर उस फैक्टर को इक्वल टू जीरो लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा सो हम यहां लिखेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई टू स्टूडेंट्स ये हमें एक क्यूब रूट मिल गया टू का क्यूब एट होता है सो so, एट का क्यूब रूट टू आ गया यहां से हमें फर्दर दो क्यूब रूट मिलने हैं स्टूडेंट्स ये किस टाइप की इक्वेशन है द आंसर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इस वक्त अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है यहां पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे कोर्स में टर्म ब्रेक क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्र से हमें नफरत है हमें अच्छा नहीं लगता ये प्रोसीजर मिडिल करने की हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट आना चाहिए फोर और सम या डिफरेंस आना चाहिए प्लस टू आप शाम तक सोचते रहे आपको दो नंबर नहीं मिलने वाले स्टूडेंट्स आपको जाना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ हम इसको कंसिडर करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए ए को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी सेकेंड डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वन बी को हम कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट यह है टू और सी की वैल्यू है फोर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला दिमाग में चलाना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए ये ए की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस जी शाबाश टू का स्क्वायर फोर यहां पर फोर फोर सिक्सटीन फोर माइनस सिक्सटीन इट इज फोर माइनस सिक्सटीन इज माइनस ट्वेल्व सो माइनस ट्वेल्व स्क्वेयर रूट और यहां पर आ गया टू अब माइनस ट्वेल्व स्क्वेयर रूट इसको सिंप्लीफाई करना है शाबाश इस माइनस को अगर हम सेपरेट कर लें मैं आपको तफसील से समझाना चाह रहा हूं x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस हम इसे लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू माइनस वन स्क्र रूट माइनस वन का स्क्वायर रूट बन जाएगा जी एओटा माइनस वन का स्क्वायर रूट एओटा अब ट्वेल्व का स्क्वायर रूट हमें ट्वेल्व का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना और यूज नहीं करना कैलकुलेटर वरना आप डेसिमल में चले जाएंगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या होंगे जी ट्वेल्व के फैक्टर्स टू टू 4 फोर फोर थ्री ट्वेल्व अब टू टू 4 फोर फोर थ्री झार ट्वेल्व फोर का स्क्वायर रूट बन जाएगा टू वो आजाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री रह जाएगा बाकी यानी यहां पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन का स्क्वायर रूट एटा डिवाइडेड बाय टू स्टूडेंट्स अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है जी यहां से हमें मिल रहा है टू कॉमन आपके जिन में माइनस टू भी आ सकता है कि आप कॉमन ले लें लेकिन मैं यहां से सिर्फ टू कॉमन ले रहा हूं एक्स इज इक्वल टू कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा डिवाइडेड बाय टू अब क्या करें स्टूडेंट्स जी आपके जहन में फॉरन आएगा इस टू को इस टू के साथ कैंसल कर दें कर सकते हैं हम कैंसिल कोई जुर्म नहीं लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या है ये क्या है माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री ए क्या है हमने वन के क्यूब रूट फाइंड आउट किए जी ये कॉम्प्लेक्स माइनस वन प्लस बाय टू और माइनस वन माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री एटा बाय टू ये वन के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं स्टूडेंट्स हमने इन दोनों क्यूब रूट्स को कुछ नाम भी दिए थे जी इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि एक माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा बाई टू है और दूसरा माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा बाई टू ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं एक दूसरे के स्क्वायर होने की वजह से इनका आपस में ताल्लुक है हम एक को अगर कहें टी तो दूसरा टी स्क्र और हमने वहां पर इन्हें कहा था ओमेगा और उमेगा स्क्वायर अगर हम ये टू और टू कैंसिल कर देते हैं ना तो फिर एक खास पैटर्न जो हम बनाना चाह रहे हैं ना क्यूब रूट्स के दरमियान डिफरेंट नंबर्स के वो बनेगा नहीं अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मैंने सर्कल किया रेड कलर में ये एक है इनमें ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर और हमारे पास बाहर मौजूद है टू इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमारे पास हासिल होंगे स्टूडेंट्स हम यहां पर दोनों को सेपरेट लिखते हैं एक हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू और दूसरी एक्स की वैल्यू टू इन टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स ये दो जो मैंने ब्रैकेट में आपको शो की ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है हम यहां रिकॉल करते हैं एज माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू एंड माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर इंटरचेंजेबली आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कोई फिक्स नहीं है कि आप इसे ही ओमेगा कहें और इसे ओमेगा स्क्वायर कहें सो so, हम यह लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ एट आर एट के क्यूब रूट्स अब क्या बनेंगे स्टूडेंट्स ये है रियल क्यूब रूट यानी टू और ये दो हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये बन गया टू ओमेगा और ये टू ओमेगा स्क्वेयर स्टूडेंट्स हमने एट के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स आप यहां पर भी वही काम एक्सपेरिमेंट यानी करके देखें आप इन तीनों का सम फाइंड आउट करके देखें इन तीनों का सम जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम फाइंड आउट किया वो जीरो आया था इन तीनों का सम भी जीरो आएगा कैसे आप जब सम करेंगे तो दरम्यान में आ जाएगा प्लस आप टू कॉमन ले लेंगे टू कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनका सम है और वो जीरो है सो टू इंटू जीरो इट विल बिकम जीरो बन रहा है अब इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करें टू टू जार फोर टू जार एट ओमेगा क्यूब उमेगा क्यूब आप जानते हैं कि वन होता है और आंसर आ जाएगा आपके पास सिर्फ एट एट इंटू वन विल बी एट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो थे तीनों वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उनका प्रोडक्ट भी वन आया था यहां पर एट के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो एट आ रहा है यानी वन के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट वन एट के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट एट ये बन रहा है पैटर्न स्टूडेंट्स इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है माइनस एट अब माइनस एट के क्यूब रूट्स क्या होंगे रियल क्यूब रूट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा शाबाश एट का रियल क्यूब रूट अभी हमें मिला टू माइनस एट का रियल क्यूब रूट कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम तीन दफा मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट आ जाए आंसर इस माइनस टू सो इसका रियल क्यूब रूट आएगा माइनस टू और जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो आएंगे माइनस टू ओमेगा और माइनस टू ओमेगा स्क्वायर. इन तीनों का सम इस दफा भी जीरो होगा और तीनों का प्रोडक्ट माइनस एट आएगा स्टूडेंट्स ये पैटर्न है और बड़ा मजे का पैटर्न है जो डेवलप होता है ट्वेंटी सेवन इसकी भी बात कर लेते हैं ट्वेंटी सेवन का रियल क्यूब रूट शाबाश जी इट इज थ्री सो इसका रियल क्यूब रूट थ्री और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होंगे थ्री ओमेगा और थ्री ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम जीरो और तीनों का प्रोडक्ट ट्वेंटी सेवन होगा माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम जीरो तीनों का प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी सेवन आएगा सिक्सटी फोर मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं आपको अब माइनस ट्वेंटी सेवन के क्यूब रूट्स भी फाइंड आउट करके दिखाता हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा चेंज है जैसे यहां पर फार्मूला यूज किया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहां पर यह फार्मूला यूज नहीं होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा चलें मैं आपके लिए कर देता हूं बाकी आपने तीन तो होमवर्क में करने ही हैं

माइनस ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट हमने लेट किया एक्स तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन ब्रैकेट में होल पावर वन बाई थ्री यानी इसका मतलब क्यूब रूट बार बार प्रोसीजर बता चुका हूं हम सिंपली क्यूब अप्लाई करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स यहां पर हमें मिला एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स का क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन इज क्यूब ऑफ थ्री सो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू जीरो एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू जीरो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कंसेप्ट और फॉर्मूला हमें नहीं आता ए क्यूब प्लस बी क्यूब शाबाश क्या होता है इट इज ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आप गलत सोच रहे हैं स्टूडेंट यहां पर ए स्क्वायर के बाद माइनस ए बी आता है सो so, ये कंफ्यूजन है जो मैंने जानबूझकर आपके सामने एक्सपोज की हम यहां लिखेंगे एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स के जेन में आता है कि अगर यहां पर प्लस है तो फिर ये सारे प्लस ही होंगे लेकिन यहां पर माइनस आता है आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही आंसर हासिल होगा स्टूडेंट्स यहां पर ए है एक्स और बी है थ्री सो so, ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की वजह से आ जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो दोनों में अननोन मौजूद सो हम दोनों को इक्वल टू जीरो लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहां से तो आसानी से x की वैल्यू आ गई माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन का रियल क्यूब रूट है माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री विल बी माइनस ट्वेंटी सेवन हमने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स मिडल टर्म ब्रेक अगेन नहीं होगी चूंकि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं सो so, हम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे हेयर A is equal to one, B is equal to minus three, and C is equal to nine. Using quadratic formula, X is equal to minus B, A minus, minus B, A B key value, plus minus. बी स्क्वेर माइनस फोर ए और सी डिवाइडेड बाय टू ए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस शाबाश ये बन रहा है प्लस तो ये आ गया थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर इट इज इन फोर नाइन आर थर्टी सिक्स नाइन माइनस थर्टी सिक्स नाइन माइनस थर्टी सिक्स विल बी माइनस ट्वेंटी सेवन टू वन आर टू अब ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर रूट शाबाश 27 के फैक्टर्स आपको सोचने होंगे हम 27 और माइनस को सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको बात वाजे तौर पर समझ आ जाए एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू स्टूडेंट्स माइनस वन का स्क्वायर रूट तो बन जाएगा एओटा अब ट्वेंटी सेवन के फैक्टर्स एक परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर नाइन और नाइन थ्रीज आर ट्वेंटी सेवन नाइन का स्क्वायर रूट बन जाएगा थ्री तो जो बाकी थ्री है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा यानी ट्वेंटी सेवन को हम लिखेंगे नाइन इंटू थ्री तो नाइन का स्क्वायर रूट हमारे पास थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री साथ वैसे आ जाएगा सो so, यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा ओवर टू जी फौरन दिल चाह रहा है कि हम थ्री कॉमन निकाल लें स्टूडेंट्स जो हमने पैटर्न डेवलप किया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के लिए हमने कहा कि एट के जो क्यूब रूट हैं एक है टू और दूसरा टू ओमेगा और तीसरा टू स्क्वायर। माइनस एट के लिए माइनस टू माइनस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ट्वेंटी सेवन के लिए थ्री थ्री ओमेगा थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ट्वेंटी सेवन के लिए आना है माइनस थ्री जो कि आ चुका और उसके बाद माइनस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा स्क्वेयर यह हमारे दिमाग में होना चाहिए सो यहां पर हमें माइनस थ्री कॉमन लेना चाहिए ताकि आगे ओमेगा पूरा बन जाए जब हम माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस वन माइनस वन और उसके बाद ये प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा माइनस प्लस बन जाएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक ने ओमेगा बनना है और एक ने ओमेगा स्क्वायर सो so, हम ऊपर से माइनस थ्री कॉमन लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉमन ब्रैकेट में माइनस वन यहां पर माइनस वन प्लस माइनस जो है ये बन जाएगा माइनस प्लस और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा डिवाइडेड बाय टू स्टूडेंट्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू और माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा बाय टू ये एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं हम फिर दोबारा हवाला देंगे एक्स की दो वैल्यूज को सेपरेट करके माइनस थ्री माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा ओवर टू और एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस थ्री माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा ओवर टू हम फिर लिखेंगे एज माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा ओवर टू एंड माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा बाय टू आर ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली यानी आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं सो क्यूब रूट्स ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन आर पहला माइनस थ्री यहां पर हमने जो फाइंड आउट किया दिस इज माइनस थ्री उसके बाद ये दोनों माइनस थ्री ओमेगा और माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स अब जो रिमेनिंग क्यूब रूट्स हैं रिमेनिंग नंबर्स के वो आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जाने स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर फाइव स्टेटमेंट इज प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ़ माइनस वन आर दिस एंड दिस एंड हेंस हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है यानी इसके दो हिस्से हैं पहले हिस्से में हमें साबित करना है कि माइनस वन के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये आएंगे और दूसरे हिस्से में हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है स्टूडेंट्स पहला हिस्सा कंसिडर करें अगर आपसे कहा जाए कि माइनस वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें तो क्या आप नहीं कर सकते हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए हमने एट माइनस एट ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी फोर के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना सीखे प्रॉब्लम नंबर वन में हम माइनस वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बा आसानी और उसमें जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आएंगे वो यही आने चाहिए स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको अगर आंसर सवाल के अंदर ही गिवन है कि ये आंसर आना चाहिए तो आपको पेपर के दौरान ही पता चल जाता है कि सोल्यूशन गलत हो गया आप उसे सही कर सकते हैं और अगर सही हो जाए तो वहीं पर जशन आप खुश हो जाते हैं कि हमें कामयाबी हासिल हुई अब स्टूडेंट्स ये आने चाहिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स पर हमें गौर करना होगा कि ये हैं क्या हमें रिकॉल करना होगा पैटर्न वन के क्यूब रूट्स क्या थे एट के क्यूब रूट्स माइनस एट के क्यूब रूट्स ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी फोर के क्यूब रूट जरा रिकॉल करें शाबाश वन के क्यूब रूट्स क्या थे शाबाश वन और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके बाद बात की जाए एट की तो एट का रियल क्यूब रूट टू और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स टू ओमेगा और टू मेगा स्क्वायर इसी पैटर्न पर माइनस एट का रियल क्यूब रूट माइनस टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट माइनस टू मेगा और माइनस टू मेगा स्क्वायर मेरा ख्याल है इतना ही काफी है आप इस पैटर्न को देखकर माइनस वन के क्यूब रूट्स जज कर सकते हैं शाबाश माइनस वन का रियल क्यूब रूट जी विल बी माइनस वन और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या आएंगे जी एक होगा माइनस ओमेगा और दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर हमें कहा जा रहा है कि ये आने चाहिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वेयर हैं इंटरचेंजेबली जरा गौर करें शाबाश यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले जरा गौर कीजिएगा प्लीज इसमें से माइनस कॉमन ले अगर हम तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा माइनस वन यहां पर भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एटा बाय टू माइनस वन कॉमन लिया अब ये जो है ये क्या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है द आंसर इज यस अगर आप यहां से माइनस वन कॉमन लें, तो यहां आ जाएगा माइनस वन ये माइनस वन जाएगा प्लस स्क्र रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज इंटरचेंजेबली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, यानी माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमें मिल रहा है हमें सिर्फ थोड़ा घुमाया जा रहा है और कोई मसला नहीं स्टूडेंट्स माइनस वन के क्यूब रूट्स आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा जो हमने वन के लिए फॉलो किया जो हमने एट के लिए फॉलो किया जो हमने माइनस ट्वेंटी सेवन के लिए फॉलो किया यानी सेम प्रोसीजर सो so ये पार्ट जो है इसका फर्स्ट हाफ आप खुद सॉल्व कीजिएगा आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये दोनों मिल जाएंगे यानी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर अब यहां पर आ जाए सेकंड हाफ में स्टूडेंट सेकंड हाफ में हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है लेफ्ट साइड पर हमें होल पावर नाइन और यहां पर भी होल पावर नाइन गिवन है क्या आप होल पावर नाइन एक्सपैंड करना जानते हैं जी होल पावर नाइन का मतलब कि इस एक्सप्रेशन को नाइन टाइम्स इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे भी मुश्किल जी बहुत मुश्किल हमें इस डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए जब इतनी बड़ी पावर हो तो याद रखे उसकी एक्सपेंशन की तरफ ना जाए पहले सोचें कि उसके अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है अब यहां पर अगर आप गौर करें कि ये क्या है वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री इसको हम क्या लिख सकते हैं जी इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा माइनस वन का स्क्वायर रूट एओटा ये एओटा और थ्री का स्क्वायर रूट एज इट इज ये बन जाएगा वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा ओवर टू और ये बन जाएगा वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एओटा बाय टू स्टूडेंट्स ये एज इट इज यही वैल्यूज है सिर्फ हमें घुमाया गया यहां पर एटा लिख दिया गया यहां पर माइनस वन स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया गया अब अगर ये यही वैल्यूज है तो हमने इनके बारे में अभी डिस्कस कर लिया कि इनमें से एक है ओमेगा एक है सॉरी माइनस ओमेगा और एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर सो so, हम इन दोनों को माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बना सकते हैं आइए देखते हैं इसका प्रूफ ये इसका सेकंड हाफ में स्टार्ट कर रहा हूं टू प्रूव वन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू होल पावर नाइन प्लस वन माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू होल पावर नाइन इज इक्वल टू Take left hand side One plus square root of minus three by two whole power nine plus one minus, minus square root of three by two whole power nine. हम यहां रिकॉल करेंगे इनफैक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने यहां पर डिस्कशन कर ली कि अगर इन एक्सप्रेशन में से माइनस वन कॉमन लिया जाए तो एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। सो हम रिकॉल करेंगे हम यहां लिखेंगे सिंस माइनस वन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर रूट बाय टू एंड माइनस वन माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर रूट बाय टू आर ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली सो चूंकि ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर है अब यहां पर अगर ब्रैकेट के अंदर हम माइनस वन कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जरा देखिए यहां पर माइनस वन कॉमन लिया तो हमारे पास बन रहा है माइनस वन यहां पर माइनस वन आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू और इसको चूंकि होल पावर है नाइन आप होल पावर लिख देंगे नाइन और आप ब्रैकेट यहां पर स्क्वेयर यूज कर ले होल पावर नाइन प्लस यहां पर भी माइनस वन कॉमन और ये बन जाएगा माइनस वन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर रूट बाय टू होल पावर नाइन स्टूडेंट्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू ये वैल्यू आ गई और माइनस वन प्लस स्क्र रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू ये वैल्यू आ गई और ये दोनों वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं सो हम लिखेंगे माइनस वन होल पावर नाइन ये जो पावर नाइन है ये दोनों के लिए है माइनस वन होल पावर नाइन और इसको कह देते हैं ओमेगा माइनस वन स्टूडेंट्स ये पावर नाइन माइनस वन के लिए भी है और इसके लिए भी है हम यहां लिखेंगे माइनस वन होल पावर नाइन और इसे हम कह देते हैं अब ओमेगा और अगर हम इसे ओमेगा कहेंगे तो फिर ये होगा ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इसकी भी पावर नाइन चूंकि होल पावर नाइन है ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी यहां पर माइनस वन होल पावर नाइन और ओमेगा स्क्वायर होल पावर नाइन प्लस सिंप्लीफिकेशन माइनस वन होल पावर नाइन जी ऑड पावर है सो माइनस जिंदा रहेगा यहां पर आ जाएगा माइनस ओमेगा रेस टू पावर नाइन यहां पर भी माइनस नाइन टू आर एटीन ओमेगा रेज टू पावर एटीन जी ओमेगा रेज टू पावर नाइन माइनस ओमेगा रेज टू पावर एटीन हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर हमारा आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास है माइनस टू इसका मतलब यह हुआ कि ये ओमेगा यहां से रिमूव होना है स्टूडेंट यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिकॉल करें शाबाश हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हायर पावर्स ऑफ ओमेगा को सिंप्लीफाई करना भी सीखा था जरा रिकॉल करें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ओमेगा की पावर थ्री का मल्टीपल हो चाहे वो पॉजिटिव पावर हो चाहे वो नेगेटिव पावर हो तो आंसर वन आता है नाइन थ्री का मल्टीपल है थ्री के टेबल में आता है द आंसर इज यस, थ्री थ्री आर नाइन थ्री सिक्स आर एटीन ये भी वन है ये भी वन है माइनस वन माइनस वन माइनस टू आर है हमें सिर्फ और सिर्फ अब इसे अल्जेब्रिकली शो करना है सो हम यहां पर लिखेंगे माइनस नाइन को हम लिख सकते हैं उमेगा क्यूब का क्यूब पावर्स आप जानते हैं मल्टीप्लाई होती है थ्री थ्री नाइन माइनस इसको आप लिख सकते हैं उमेगा क्यूब होल पावर सिक्स थ्री सिक्स आर एटीन अब उमेगा क्यूब हम जानते हैं कि ये वन होता है सिंस उमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन बल्कि मैंने तो आपको वहां पर यह भी बताया था मैं आपको रिकॉल करवा दूं ओमेगा रेस टू पावर थ्री एन इज इक्वल टू वन इफ एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एन सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो यानी थ्री का कोई भी मल्टीपल इंटीजर हो तो आंसर आपके पास वन आएगा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं लेकिन आपको इस तरह से स्टेप्स बढ़ाकर एक्सप्लेन करके इनफेक्ट सोल्यूशन बताना है माइनस ये ओमेगा क्यू वन है तो ये वन का क्यू माइनस वन की पावर सिक्स तो वन का क्यूब या वन की पावर सिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस वन माइनस वन दैर इज माइनस टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सोल्यूशन यहां पर खत्म हुआ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज